हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैजुअल गेमिंग की बिल्कुल नई और स्पेशल वीडियो में। गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपको सीज़न 1, 2, 3 ऐसे करके जितने भी लेजेंडरी लाइट पास के बंडल थे वो आपको दोबारा फ्री फायर में देखने को कैसे मिल सकता है और कब मिल सकता है। साथ में आपको फ्री फायर में जितने भी लक रॉयल में हमारे बंडल आने वाले हैं वो आपको दिखाएंगे। इनक्यूबेटर हो गया, गोल्ड रॉयल, डायमंड रॉयल, जितना भी है सब बताएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार। वीडियो को लाइक टारगेट रहेगा 500 का, तो 500 के लाइक टारगेट को वीडियो को लाइक मार के ज़रूर कंप्लीट कर देना। बस एक चीज़ चाहिए आपसे, लाइक्स। जितने लाइक दोगे उतने यार वीडियो अच्छा जाएगा, ट्रेंडिंग में जाएगा। सबसे पहले यार आपको बता देते हैं हमारा नया गोल्ड रॉयल हमें क्या देखने को मिलने वाला है। तो मेल और फीमेल का बंडल दोनों हमारा गोल्ड रॉयल में आना था, फीमेल का आ गया, अब बचा है मेल का। तो मेल का बंडल आपको नए गोल्ड रॉयल में देखने को मिल सकता है। हो सकता है किसी नए इवेंट में आ जाए, पर ज़्यादातर चांस है नए गोल्ड रॉयल में इस बंडल के आने की, क्योंकि इसका फीमेल ऑलरेडी आ चुका है। डायमंड रॉयल बंडल की बात करें तो डायमंड रॉयल के बंडल कंफर्म हो चुके हैं और आपको ये मेल फीमेल बंडल डायमंड रॉयल में देखने को मिलने वाला है। ये दोनों ही बंडल आपको हमारे आने वाले डायमंड रॉयल में देखने को मिलने वाले हैं। डायमंड रॉयल 14-14 दिन का ही होता है, तो आपको ये दोनों बंडल अलग अलग भी मिल सकते हैं और साथ में भी मिल सकते हैं, एक साथ ये दोनों देखने को। इसके साथ गाइस आपको बता देता हूँ, नया एक स्पेशल रॉयल हमें देखने को मिल सकता है मई के ही महीने में। तो इस स्पेशल रॉयल में आपको ये दोनों बंडल देखने को मिल सकते हैं, मेल फीमेल के। तो ये बंडल पुराने बंडल हैं, पहले आ चुके हैं और इसमें आप वाउचर्स यूज़ नहीं कर पाओगे। इसमें आपको डायमंड लगाना पड़ेगा स्पिन करने के लिए, आपके लक के हिसाब से आपको ये बंडल मिल जाएगा। इसमें आपको मेल का भी मिल सकता है और फीमेल का भी मिल सकता है, वो आपके लक पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा बंडल मिलता है। नया इनक्यूबेटर गाइज, नए इनक्यूबेटर में हमें दो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। एक हमारा गारंटीड है, ये बंडल आपको देखने को मिलने वाले हैं हमारे आने वाले नए इनक्यूबेटर में। ये मेल और ये फीमेल का बंडल ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके साथ आपको दो दो पेयर में और मिलने वाले हैं, तो ये छहों बंडल आपको इनक्यूबेटर में देखने को मिलेंगे। इसके साथ गाइज आपको कुछ डिमांड हमारी इंडिया में ज़्यादा बढ़ी थी स्कार की, तो ये स्किफी स्कार की स्किन्स आपको देखने को मिल सकती है हमारे आने वाले नए इनक्यूबेटर में। जैसे इस बार हमारे दो बंडल आए, एक में MP40 और एक में हमारे ये बंडल, तो ऐसे करके आपको नए इनक्यूबेटर में ये सब भी देखने को मिल सकता है। क्या मिलेगा ये तो मैंने बता दिया, कब मिलेगा ये बता देते हैं। इनक्यूबेटर में आपके 17-18 दिन बाकी हैं, तो इनक्यूबेटर आपका इतने दिन बाद आएगा। गोल्ड रॉयल मैंने बताया 28 दिन है कम से कम। डायमंड रॉयल आपके 3 दिन बाकी हैं और जो वेपन रॉयल है उसमें आपके 4 दिन बाकी हैं। तो इन डेट्स के ख़त्म होते ही आपको नए लक रॉयल के आइटम देखने को मिलेंगे फ्री फायर के गेम में। अब आ जाते हैं गाइज हमारे मेन इवेंट पे और आपको बता देता हूँ कि आपको ये अल्टीमेट रिक्रूट इवेंट कब और कैसे देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले बता दो, ये इवेंट पहले भी आ चुका है, ये हमारा मई के ही मंथ में आया था पिछले साल, यानी कि एक साल हो गया है इस इवेंट को। और ये 15 मई या 12 मई ऐसे कुछ डेट पे आया था, 12 मई को याद होगा आपको। तो हमारा मैजिक क्यूब भी आने वाला है, तो ये इवेंट भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये बेसिकली हमारी डिमांड पे आया था मई के, और विश इवेंट के बाद इस इवेंट को दिया गया था। तो इस इवेंट में आपको लक रॉयल में 2500 का एक स्पिन करना था और एक स्पिन लिमिटेड था। एक स्पिन के बाद आपको कोई भी रैंडम फ्री फायर वाले पिक करके कोई भी बंडल दे रहे थे, तो मेल का भी और फीमेल का भी इस इवेंट में हमें मिल सकता था। और अभी भी दोबारा ये इवेंट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि गाइस जो हमारे लेजेंडरी लाइट पास हैं इनकी वैल्यू और इनकी डिमांड कभी कम नहीं होने वाली। ये बंडल एक्चुअली आया इसलिए था क्योंकि जो इलाइट पास था उसकी एनिवर्सरी होती है हर साल फ्री फायर में। तो फ्री फायर में स्टार्टिंग में आपको पता होगा दिसंबर में जब स्टार्ट हुआ था फ्री फायर, तो उसमें इलाइट पास नहीं था। मई के मंथ में इलाइट पास पहला आया था और ऐसे करके अभी तक चल रहा है। तो ये जो हमारा मई का महीना आने वाला है, ये भी हमारा इलाइट पास के एनिवर्सरी होगा, और इलाइट पास के एनिवर्सरी के ही महीने में आपको ये बंडल, ये सारा इवेंट दोबारा देखने को मिल सकता है और मिलना भी चाहिए, क्योंकि ये इलाइट पास की एनिवर्सरी है फ्री फायर के गेम की, और इलाइट पास एक बहुत बहुत मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्री फायर के गेम में। गाइस यार वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक मार देना, लाइक टारगेट हमारा कंप्लीट कर देना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना अगर आप चैनल पर नए हो तो। शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.